के प्रायोजक हैं फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह रुपिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क पुणे। रीवा शहर की होनहार बिट का अनामिका त्रिपाठी भोजपुरी सुर संग्राम में बिखेर रही अपने सुरों का जलवा। लगातार जितने भी एक्सपर्ट आ रहे हैं कार्यक्रम में, सब उसकी खुले दिल से कर रहे हैं तारीफ। उत्तर प्रदेश में जन्मी, पिता की नौकरी मध्य प्रदेश में, रीवा के दीनदयाल धाम कॉलोनी में रहने वाली अनामिका त्रिपाठी, बचपन से ही संगीत की तरफ कुछ ज्यादा ही लगाव था, जिसके चलते उसने संगीत में कड़ी मेहनत की और एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। अनामिका त्रिपाठी ने पूरे देश में अपनी आवाज का जादू बिखेर कर हर आदमी को अपना दीवाना बना लिया, जिसका जीता जागता उदाहरण है रियलिटी शो सुर संग्राम में अपने गीतों का जलवा। अनामिका जिस तरीके से बिखेर रही है, उसको देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है भोजपुरी भाषा के लोकप्रिय रियलिटी शो सुर संग्राम में अनामिका की आवाज इन दिनों छाई हुई है। अनामिका आज कुछ समय के लिए रीवा पहुंची। रीवा रेलवे स्टेशन में उनका भव्य स्वागत किया गया। हमारी टीम ने अनामिका से बात की, क्या कुछ कहा अनामिका ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये अनामिका त्रिपाठी सुर संग्राम में पहुंची, कब तक का सफर रहा, कैसा सफर रहा आपका ये? सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। और मैं रीवा से अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ बॉम्बे में, वो मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने ऑडिशन दिया था बॉम्बे ऑडिशन, भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो है सुर संग्राम, जिसे रियलिटी शो के जनक जिन्हें कहा जाता है साईं बाबा टेलीफिल्म, इन्होंने करवाया है सुर संग्राम। और सुर संग्राम में मैंने बॉम्बे ऑडिशन दिया, उसके बाद मेगा ऑडिशंस मैंने दिया। मेगा ऑडिशंस में मैंने टॉप 80 में अपनी जगह बनाई। टॉप कौन सी सॉन्ग में आपकी जगह बनी है? सॉन्ग जो था वो तो मतलब था मेरा ऐसा था कि साड़ी ले आईला पहरे न जानी हमके तने पहराई दा, सुन लाए राजा जी कि बतिया, सुन लाए राजा जी कि सड़िया पहरे के सिखाए दा, सुन लाए राजा जी। तो ये गीत था सुर संग्राम में। अभी कौन सा एपिसोड अभी आपका बाकी है जो आपको और ऊंचाइयों तक ले जाएगा? क्या सवाल किया आपने, मैं बता दूं, अभी पिछला एपिसोड था हमारा छठ का, ठीक है। और छठ के एपिसोड में मैं हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द वीक बनी थी, बेस्ट परफॉर्मर बनी थी। और अब जो एपिसोड आ रहा है वो है भोजपुरी क्वीन, जहाँ अक्षरा सिंह जिन्हें ऑल इंडिया में लोग जानते हैं, उनके साथ मेरा नेक्स्ट एपिसोड है। और वो एपिसोड देखिए बहुत सरप्राइज है। आप लोग भोजपुरी सिनेमा देखिए, और जिनके पास टीवी नहीं है वो दंगल ऐप डाउनलोड करिए, और शनिवार और रविवार ठीक 8 बजे, जी हाँ, कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। बेहद खूबसूरत सा एपिसोड है जिसमें अक्षरा सिंह आ रही हैं, और आगे आप लोग खुद। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो ये है कि मैं फिनाले तक जाऊँ, क्योंकि माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और बस अच्छा ये है कि अच्छा हो जाए और मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट बन जाऊं। भोजपुरी की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? एक्चुअली भोजपुरी की शुरुआत कहा जाए तो मैं उत्तर प्रदेश, मेरा बॉर्न है, मैं देवरिया जिला की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरे पापा की जॉब लगी रीवा, और रीवा मेरी कर्म भूमि है और मेरी जन्म भूमि उत्तर प्रदेश है। और मैं जब 1 साल की थी तब से अपने रीवा में रह रही हूँ। तो बस मेरे लिए ये है कि कर्म भूमि और जन्म भूमि का जो मिश्रण मिला है वो बनी है अनामिका त्रिपाठी। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।